यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की धमकी के बाद हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। करनाल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिसकर्मी संदिग्ध लोगों और यात्रियों के सामान की चेकिंग कर रहे हैं। दरअसल आतंकी संगठन ने कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद से पुलिस चेकिंग में लगी है। तो आपको बता दें, रेलवे के मुख्य अधिकारी के कमरे में यानी कि अंबाला में एक लेटर यानी कि पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें धमकी लिखी गई थी कि हरियाणा के बहुत से जगहों को उड़ा दिया जाएगा, धार्मिक स्थलों को उड़ा दिया जाएगा, जिनमें सिरसा, पानीपत, पंचकुला जैसी जगहें शामिल थी। और साथ ही इस धमकी के बाद अब जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केसी आर्या फोन लाइन पर हमारे साथ फिर से जुड़ चुका है। केसी आर्या, तो जिस प्रकार से ये धमकी भरा पत्र अंबाला में मिला था, तब से लेकर अब तक सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं और सरकार इन चुनौतियों से आगे निपटने की कैसे तैयारी कर रही है, कैसे वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की खबर रखी जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला परसों का है, जो पंचकुला या अंबाला में जो आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा या जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों द्वारा ये जो लेटर दिया गया, पत्र भेजा गया कि उनको उड़ा दिया जाएगा, हरियाणा के कई स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जीआरपी पुलिस द्वारा व आरपीएफ पुलिस द्वारा के जो जवान है वहां पर स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और आम रूटीन में यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। परंतु ये करनाल को जब बब्बर खालसा द्वारा कई साल पहले भी ये धमकी दी जा चुकी है कि स्टेशन उड़ा दिया जाएगा, और जो आम यात्री हैं उनका ये कहना है कि आप झूठी अफवाह है और अफवाहों में ना आए, क्योंकि पुलिस का साथ है और पुलिस को अगर कोई ऐसी चीज मिल जाती है तो संदिग्ध है तो उसकी सूचना दें। फिलहाल जो है ना, आम आदमी जो है ना इसको अफवाह से जोड़कर देख रहा है, परंतु कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, और करनाल रेलवे स्टेशन पर भी जो है ना नौजवान जो पुलिस के हैं जीआरपी के लगाए गए हैं और यात्रियों पर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केसी आर्य जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, अंबाला के रेलवे स्टेशन पर मुख्य अधिकारी के कमरे से एक पत्र प्राप्त हुआ था और उस पत्र में धमकियां लिखी हुई थी, और साथ ही आपको बता दें जो ये धमकी है लश्कर ए तैयबा के द्वारा लिखी गई थी।